मन खुलने पर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम की मेहमान हैं हमारे इस कार्यक्रम के निर्देशक अनिल मैथ्यूज की पत्नी सूसी मैथ्यूज बहन। आज उनका हमारे बीच में मौजूद होना बहुत खुशी की बात है, तो सुनते हैं उनसे ही उनकी गवाही। मेरा नाम सूसी है। एक मसीह परिवार में मेरी पैदाइश और परवरिश हुई जी। हमारे घर में हम 5 बेटियां हैं और उनमें सबसे बड़ी हूँ मैं। अच्छा। जिस चर्च में जाती थी उस चर्च के विश्वास में ही थी मैं, इसलिए बचपन से ही माता पिता हमें चर्च ले जाते थे, संडे स्कूल भेजते थे प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। बड़ी सख्ती से हमें वो ये सब बातें सिखाया करते थे। उसी तरह इन सब बातों को मैं अपनी पूरी जिंदगी में करती आई। हर परंपरा का पालन करते थे। हाँ, अनुशासित रीति से ही मैं बड़ी हुई। हर एक दिन प्रार्थना करनी थी, प्रार्थना किए बिना सोने की अनुमति नहीं थी। खाना खाने से पहले प्रार्थना करनी पड़ती थी। वचन पढ़कर, गाना गाकर प्रार्थना करना एक बहुत ही सख्त नियम था हमारा। अच्छा। और हम उसका पालन करते थे। और फिर जब हम थोड़े बड़े हो गए, हमें कबूल करना, पाप स्वीकरण और प्रभु भोज में भाग लेना था। इस तरह से उस चर्च के जो भी नियम हैं हम पूरी तरह से उसका पालन करते थे। 84 में मेरी पढ़ाई को पूरा करके मैं कुवैत गई। वहाँ मेरी माँ की बहन, उनके पति, मेरी माँ की दो बहनें वहीं पर थीं। अच्छा। परिवार सहित वहाँ काम करते थे, इसलिए कुवैत जाकर वहाँ पर कुवैत में मैं उनके साथ रहने लगी। कुछ दिनों तक मुझे बड़ी खुशी थी। वो खुशी मेरे परिवार के लोगों के साथ रहने की खुशी थी। लेकिन जब नौकरी मिलने में मुझे हफ्तों और महीनों की देरी हो रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होने लगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई को पूरा किए बिना कुवैत जाकर बिना नौकरी के वापस जाना पड़ेगा, इस तरह का एक डर मेरे अंदर था। इस तरह से 1.5 साल तक बड़े दुख और डर के साथ इन हालातों में मैं जाकर अपनी मौसी से सब कहती थी। एक माँ के साथ जिस तरह से कहा जाता है उसी तरह मैं कहती थी। मेरी मौसी बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती थी, वचन को पढ़ने वाली एक औरत थी। उन्होंने मुझसे कहा, अपनी समस्याएं मुझसे कहकर कोई लाभ नहीं, वो यीशु मसीह से, प्रभु से खुलकर कहो जी। जो यीशु हमें तसल्ली देकर हमारी अगुवाई करते हैं वो जरूर तुम्हारी भी करेंगे, और हमारी जो भी परेशानियां हैं उसके रास्ते भी यीशु मसीह हमें दिखाएंगे। ये कहकर मुझे उत्साहित किया। और ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके मेरी तसल्ली के लिए बाइबल खोलकर मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। इस तरह 1.5 साल तक मैं आगे बढ़ी। उस समय मेरी मौसी ने मुझसे कहा कि 1.5 साल तक मुझे काम नहीं मिला तो उनके पति ने मुझसे कहा कि वीज़ा अब रेन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब ईरान और इराक के बीच में युद्ध हो रहा था, तो वीज़ा बनाना बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए वापस गांव जाने के लिए मुझसे कहा। तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि 2 साल तक वहां पर रहकर भी मैं जब गांव जाऊंगी तो मेरी अवस्था क्या होगी, इन बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इस तरह से जब मैंने अपनी सारी परेशानियां अपनी मौसी को बताई तो उन्होंने तब मुझसे ये कहा कि जहाँ पर वो रहते थे ठीक उस घर के नीचे हर एक मंगलवार को एक प्रार्थना होती थी। अच्छा। तो उस प्रार्थना में आने के लिए मुझसे कहा। मैं वहाँ पर अक्टूबर 8 तारीख को 1985 8 अक्टूबर को मैं पहली बार उस प्रार्थना में गई। ज्यादा लोग नहीं थे, उनके ही घर में चटाई बिछाकर कुछ लोग मिलकर हर हफ्ते प्रार्थना किया करते थे। मैं पहली बार ऐसी एक सभा में जा रही थी। उससे पहले चर्च जाती थी, प्रार्थना करती थी, घर में प्रार्थना करती थी, ऐसा ही अनुभव था। वहां पर जो भी आते थे सब प्रार्थना करते थे, एक भी व्यक्ति पीछे नहीं हटता था, सब प्रार्थना करते थे। इस तरह जब मेरी बारी आई तो मुझसे भी प्रार्थना करने को कहा गया, लेकिन प्रार्थना करना मैं नहीं जानती थी। उस दिन तक लिखित धार्मिक चीजों को पढ़ने की ही आदत थी। ऐसी एक परंपरा में थी मैं, इसलिए हृदय से किसी से भी बातचीत करने की तरह प्रार्थना करने की आदत नहीं थी। मैं इन धार्मिक शिक्षाओं के पालन के अलावा प्रभु से सीधे बातचीत करने के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। ऐसे मैंने उनसे कहा कि मुझे प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं आता है, ऐसे ही कहा। लेकिन मेरी मौसी ने मुझसे कहा कि तुम प्रार्थना करो, तभी यीशु तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करेंगे। तो मैंने, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती की, इसलिए मैंने कुछ 1-2 शब्दों में प्रार्थना की। अच्छा। लेकिन मैं
प्रभु से ठीक से बात नहीं कर पाई, फिर भी मेरे हृदय से जो भी आया मैंने प्रभु से कहा। तो ऐसे आपने प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना करने के बाद अद्भुत कार्य हुआ। तीसरे मंगलवार के दिन उस प्रार्थना के बाद अगले दिन सुबह बुधवार को, मुझे याद है अक्टूबर की 22 तारीख थी, एक दिन पहले जो मैं प्रार्थना के लिए गई थी, 23 तारीख सुबह मुझे मेरी चाचा की पत्नी ने मुझे मेरी मौसी के घर पे फोन करके मुझसे कहा, कल सुबह एक ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना है, इसलिए आज हम आएंगे, हमारे साथ तुम्हें अभी हमारे घर आना है। तो मैंने कहा ठीक है, और घर में बैठकर मैं सोचने लगी। मैं उस दिन तक मैं बहुत ही भक्ति के साथ, हमारे चर्च के हिसाब से मैं प्रार्थना किया करती थी, पूरे दिल से किया करती थी। लेकिन अद्भुत बात यह है कि तीन हफ्ते ये जो मेरी प्रार्थना थी वो मेरे विषयों के लिए थी, यानी कि जो मेरी परेशानी थी उसके लिए मैंने प्रार्थना की। इस तरह प्रार्थना करने के बाद मैं अगले दिन उस कार्यालय में इंटरव्यू के लिए गई। वहाँ जाकर कुछ ज़्यादा मुश्किल सवाल जवाब कुछ नहीं हुए, उन्होंने मुझे उस नौकरी के लिए चुन लिया। कुछ भी नहीं जानती थी मैं, कोई भी पढ़ाई या कोर्स कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उस नौकरी के लिए गई मैं। उस नौकरी में उस दिन उन्होंने मुझे अपॉइंट किया और अच्छी तनख्वाह भी दी। बहुत सालों तक मेरे पास कोई वीज़ा नहीं था, उस कंपनी का वीज़ा भी मेरे पास नहीं था। उसके बाद कुछ 3-4 साल बाद 85 में मुझे नौकरी मिली थी, 88 में ही मुझे मेरी कंपनी का वीज़ा मिला। निरंतर प्रार्थना के जवाब में ही वो वीज़ा मुझे मिला, क्योंकि उस समय में कोई भी वीज़ा कंपनी की तरफ से जब नहीं दे रहे थे, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ दिनों पहले एक इजिप्शियन व्यक्ति के लिए जिन कागजातों को वीज़ा के लिए भेजा था, उन कागजातों को रोककर मेरे लिए वीज़ा बनाया। अद्भुत लगा वो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो मुझसे पहले आए थे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले जो लोग थे, उन लोगों को भी ये नहीं मिल रहा था। तब मुझे एक बात का एहसास हुआ कि प्रभु यीशु मुझसे कितना प्रेम करते हैं, जो भी मैं मांगती हूँ वो उन सब बातों को पूरी करते हैं, ये विश्वास मुझ में जागा। प्रिय दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग जो हमें सुनते हैं सूजी जैसी अवस्था से ही गुजर रहे होंगे। प्रार्थना करना नहीं आता है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कैसे प्रार्थना करना है। कई बार लोग सोचते हैं प्रार्थना करना बहुत बड़ा काम है कोई, लेकिन प्रार्थना एक बहुत ही सरल बात है। अभी जिस तरह से मैं और सूजी बात कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही प्रभु से बात करना ही प्रार्थना है। इस प्रकार से अपने दिल की हर बात को अपने किसी दोस्त से खुलकर यीशु के सामने उसी प्रकार कहते हैं, तो इसी को ही प्रार्थना कहते हैं। इसी प्रकार सूजी जब छोटी छोटी प्रार्थनाएं करने लगी तो इन्हें भी अनुग्रह मिलने लगा। ऐसे मैं फिर से बाइबल मतलब वचन पढ़ने लगी, उसमें जो सत्य है उसे मुझे जानना है इस इच्छा के साथ, तो बाइबल पढ़ना मैंने शुरू किया। हर एक वचन मेरी जिंदगी में काम करने लगा। हर एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ती थी, मेरे हाथ में एक मरियम का, पवित्र मरियम का एक छोटा सा रूप मेरे हाथ में था। उसे मैं बहुत ही भक्ति के साथ अपने कमरे में रखती थी, और जब प्रार्थना करती थी तो उसके सामने मैं खड़ी होती थी। लेकिन मैं उस मूर्ति की प्रार्थना नहीं करती थी, पर उस प्रार्थना में मैं मरियम से प्रार्थना करती थी। तो ऐसा मैं करती थी पूरी भक्ति के साथ, मैं यही किया करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो मरियम है वो यीशु की माँ है, ये आशीषित हैं, प्रभु ने इन्हें स्वीकार किया है, प्रभु ने इन्हें भाग्यवती का स्थान देके आशीषित किया है। उन्हें बड़ी भक्ति के साथ मैं देखती थी, इसलिए उस मूर्ति को मैंने सुरक्षित रखा, बहुत ही कीमती रीति से मैंने रखा। अच्छा। उस समय मेरे साथ एक लड़की थी, वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहती थी, तो जब मैंने उसको इस बारे में बताया, उसने मुझसे पूछा क्या मरियम से प्रार्थना करना सही है। वो लड़की एक विश्वासी थी, इसलिए उसने मुझसे पूछा कि क्या मरियम से प्रार्थना करना सही है। मैंने उसे पूछा कि उसमें गलत क्या है। बचपन से ही हमें उसकी आदत है, क्योंकि बचपन से ही हम पे जब किसी भी तरह की छोटी छोटी परेशानियां आती थी, तब माँ कहती थी कि एक मध्यस्थ प्रार्थना करो, ये कहकर मुझे पैसा देती थी। हम चर्च में नाम देते थे, जब समय होता था तो पादरी बुलाया करते थे, वहां जाकर खड़े होकर मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करने की आदत थी हमारी। बचपन से ही मरियम की तरफ जो भक्ति थी हमारी, वो हमारी जिंदगी में थी। तो जब किसी ने कहा कि ये गलत है, मुझे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन बाद में
जब मैं वचन पढ़ने लगी, व्यवस्था विवरण उसके 27वें अध्याय में ये बताया गया कि एक मूर्तिकार के हाथ का यानी प्रभु की इच्छा के विरोध में जो भी मूर्ति है खुदवा कर या ढलवा कर बनाई है और जो उसे रहस्य में रखता है वो शापित है। हाँ। तो जब उस वचन को मैंने पढ़ा तो मेरा मन घबराने लगा, हे प्रभु क्या मैंने अपने हाथ में ऐसी चीज को रखा है जो प्रभु पसंद नहीं करते। और जब मैंने निर्गमन के पुस्तक के 20वें अध्याय को पढ़ा, उसमें 10 आज्ञाओं को देखा, तो वहां मैंने पढ़ा, ऊपर जो आकाश में है और नीचे जो पृथ्वी पर है, वह पृथ्वी के नीचे जो जल में है, ऐसी किसी भी चीज की मूर्ति को ना बनाना है और ना ही उसे मानना है। ये पढ़ने के बाद जब इस मरियम की मूर्ति के बारे में मैंने सोचा, मुझे समझ में आया, तो उस वक्त मुझे विश्वास था कि वो स्वर्ग में होंगी, लेकिन जो स्वर्ग में है उनकी भी मूर्ति हमें नहीं बनानी चाहिए, ऐसे प्रभु कह रहे हैं। प्रभु की आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा है ये, बिल्कुल प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये बात मुझे समझ में आई कि आंतरिक आंखों को खोल के ही प्रभु को देख सकते हैं। उसके बाद जब भजन संहिता पढ़ती थी, वहां पर भजन संहिता 115 में हम ऐसा पढ़ते हैं, जो लोग मर गए हैं वो लोग प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते हैं। तब मुझे समझ में आया कि मेरे इतने दिन जो मैंने मरियम से पूछा और जो मैंने उनसे अपेक्षा की, परमेश्वर की उपस्थिति में मरियम कुछ कह नहीं सकी क्योंकि मरियम की मृत्यु हो गई। तब मुझे समझ में आया कि प्रभु जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो व्यर्थ है। वचन में साफ रीति से बताया गया है कि ये सब कुछ गलत है। अब मैं क्या करूं? इन सब चीजों को अंडरलाइन करके मैंने अपने मन में ये बातें गांठ बांध ली, लेकिन इन चीजों का पालन करने का मेरा कोई मन नहीं था क्योंकि मैं ये सारी चीजें इतनी आसानी से कर नहीं पाती थी। और तब से मैं जब भी प्रार्थना करती थी तो पहले मैंने अपने चर्च की लिखी हुई प्रार्थना बंद कर दी। मैंने अपना हृदय खोलकर प्रार्थना करनी शुरू की। कभी कभी 2 या 3 वाक्य ही हुआ करते थे उसमें। तो मेरी जो परेशानियां हैं, मैं अपनी परेशानियों को प्रभु से बांटने लगी। लिखी हुई प्रार्थना को कुछ संतों ने लिख कर रखा, ये उनकी सोच है, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है। मेरी अपनी समस्याएं हैं, तो जिन समस्याओं को मैं हर रोज झेलती हूँ, तो उन बातों को मैं यीशु मसीह से बांटने लगी। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं जीने लगी। 88 में मेरी प्रार्थना के जवाब में मेरा वीजा लगा और सब कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद 89 में मैंने अपने गांव आने के लिए टिकट करवाया। सुबह 7:30 बजे मेरी फ्लाइट थी, इसलिए सुबह ही मैं एयरपोर्ट पहुंची। मेरे चाचा ने वहां पर एंट्रेंस पर खड़े होकर मेरा जो भी सामान था वो सब कुछ लगवाया। मुझे विदा करके वो वापस अपने घर पर लौट गए। मैं अंदर आकर जो भी खत्म करना था वो सब करके सिक्योरिटी चेक के लिए क्यू में पहुंची। जब मेरी बारी आई तो मेरे हाथ में जो सामान था और हैंडबैग को स्क्रीन पर रखकर मैं शरीर की जांच के लिए जब बाहर आई तो मेरे हाथ में जो पासपोर्ट था और टिकट जिस कवर में रखा था उसको स्क्रीन पर रखने के लिए अधिकारी ने कहा। मैंने उसे वहां रखा। मेरे शरीर के जांच के बाद इस तरफ आकर खत्म किया तो जब मैंने अपने पासपोर्ट और टिकट को वहां पर देखा वो वहां पर नहीं था। वो वहां से कौन लेकर गया ये मैं नहीं जानती थी। उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी, बम फटने का एक डर भी था, इसलिए सबकी सारी चीजों को टेबल के ऊपर डालकर चेक कर रहे थे। तब तक ऐसी समस्या नहीं थी। तो मैंने इस तरफ आने के बाद जब पासपोर्ट और टिकट को ढूंढा तो उन्होंने कहा कि तुम उसे घर पे रखकर भूल गई होगी। मैंने कहा कि घर पर भूल कर मैं यहाँ तक कैसे आ सकती हूँ। जब मैंने ऐसे कहा तो उन्होंने कहा इसमें ढूंढ कर देखो। उन्होंने मेरे बैग को खोलने के लिए कहा। मैंने उसको खोला, टेबल के ऊपर सारी चीजें डाल दी और सब कुछ देखा। वापस सारे सामान को मैंने बैग के अंदर रखकर बंद किया और मैं उनसे ये कहती रही कि मेरा पासपोर्ट और टिकट खो गया है, मेरी मदद करें, उन्हें ढूंढने में मेरी सहायता करें, ऐसा मैं उनसे कही जा रही थी। लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही थी वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो और यात्रियों का सामान चेक करने में व्यस्त थे, इसलिए मेरा जो भी सामान था वो सब कुछ एक तरफ कर दिया और कहा आप वहाँ किसी से पूछिए। मेरा मतलब यह है कि जो मैं पूछ रही थी उसका जवाब नहीं दे रहे थे। मैं यहाँ वहाँ दौड़ने लगी। मैं बहुत परेशानी में थी, मुझे पता नहीं था किसके हाथ में है, कैसे मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगी। मैं वहां से दूसरी तरफ आई और अपने सामान को एक जगह पर रखकर वहां पर जब चारों तरफ देखा तो वहां पर कोई भी यात्री नहीं था। सब लोग फ्लाइट में चढ़ गए थे, मैं अकेली हो गई। पासपोर्ट और टिकट के बिना मैं बोर्डिंग पास लेकर जा नहीं सकती थी, इसलिए वहां पर जो भी लोग थे, जो भी अधिकारी थे, मैंने सबसे उनकी पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। उस समय मैंने देखा कि थोड़ा दूर उस तरफ हटकर 2-3 कार्यालय थे। उन कार्यालयों को दिखाकर बोला कि तुम वहां पर जाकर वहां पर पूछताछ करो। मैंने वहां जाकर
हर एक अधिकारी के कार्यालय में जाकर कहा कि मेरा पासपोर्ट और टिकट खो गया है, मेरी सहायता करें। अभी जो एयर इंडिया फ्लाइट जा रही है उसमें मुझे जाना है। लेकिन वहाँ पर दो लोग थे, वो लोग एक दूसरे को देखकर, मुझे देखकर अरबी में कुछ कहने लगे। तब मुझे समझ में आया कि मेरे साथ कुछ खराब सा होने वाला है, क्योंकि इससे पहले एक हादसा हुआ है एयरपोर्ट में जिससे मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जब मैंने पीछे मुड़कर वहां पर देखा तो मैं एक अकेली लड़की थी वहां पर। दूसरी फ्लाइट के लिए फॉरेनर्स वहां पर चेक इन करना शुरू कर रहे थे। मैंने सोचा कि अगर फंस गई तो मैं अकेली हो जाऊंगी, कुछ हो गया तो मैं वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे चाचा मुझे छोड़कर घर चले गए थे। फ्लाइट भी मेरी छूटने वाली थी। पासपोर्ट और टिकट खो चुके थे, मेरे पास कोई भी कागजात नहीं थे। तो मैं पूरी तरह से परेशान होकर डरी हुई सी यहाँ वहां दौड़ने लगी थी, हर एक कमरे में जाकर रोने लगी। किसी ने भी दया नहीं की और मैं वापस अपने सामान के पास आकर उस कुर्सी पर बैठकर रोने लगी, जोर से रोने लगी। हे यीशु, मैं क्या करूं, मुझे मेरा पासपोर्ट और टिकट कैसे वापस मिलेगा। तब एक बात मुझे समझ में आई कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। हाँ। ये पूरी तरह से मैं समझ गई। तुरंत ही जब मैं ज्यादा परेशान होती थी तो मैं यीशु को पुकारती थी सच्चे दिल से। जिन यीशु मसीह को मैं प्रेम करती हूँ उनके सामने मैंने घुटने टेके, आंखों को बंद करके, मेरे बैग को छाती पे रखकर उस एयरपोर्ट पर। मैंने ये नहीं सोचा कि कौन देख रहा है, मुझे कोई डर नहीं था और मैं शर्मिंदा भी नहीं थी। उस हवाई अड्डे में घुटना टेक कर मैं जोर से रोने लगी, हे पिता मुझे इस परेशानी से किसी तरह बचाओ। जोर से रोते हुए मैं कहने लगी कि हे प्रभु, मेरा पासपोर्ट और टिकट मुझे वापस मिलना चाहिए। मेरी प्रार्थना मलयालम भाषा में थी लेकिन सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैंने आंखों को खोला ही नहीं, मैंने अपना रोना भी नहीं रोका। मैं प्रभु की उपस्थिति में ऐसे ही रोती रही, यीशु मेरी सहायता करो, मुझे छुड़ाओ इस परेशानी से, मुझे पूरी तरह बचाओ। इस तरह से मैं रोने लगी। तब एक आवाज सुनाई दी, व्हाई आर यू क्राइंग। मैंने पूरी तरह उस पर ध्यान दिया। तब दूसरी आवाज भी सुनी, व्हाट हैपेंड टू यू। मैंने आंखों को खोलकर देखा, एक व्यक्ति के पैर को देखा। मैंने अपनी आंखें जब उठाकर देखी तो एक आदमी मेरे सामने था, एक अधिकारी का वस्त्र पहने हुए। मुझे समझ में आया कि वो एक उच्च स्तर के अधिकारी हैं। मुझे उठने को कहा, मैं खड़ी हो गई। खड़े होकर मेरी जो परेशानी थी वो सब मैंने उन्हें खुलकर बताई। उसने मेरी सारी बातों को सुनने के बाद तुरंत ही वायरलेस लेकर किसी से बातचीत की। फ्लाइट को रोकने का संदेश था। तुरंत ही उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पीछे आओ, तो मैं उनके पीछे गई। मुझे बोर्डिंग पास के काउंटर के पास खड़ा करके वो खुद उस हवाई जहाज के पास दौड़ कर गए। शीशे से मैं इन सब चीज़ों को देख रही थी। जल्दी से उन्होंने फ्लाइट में पहुंचकर सब लोगों के सामान को नीचे उतारा और उसकी जांच करने का आदेश दिया। उस विमान के सभी यात्री अपने सामान को नीचे उतार कर ढूंढने लगे। तब मेरे सामने खड़े हुए एक बुजुर्ग माँ के बैग में वो चला गया था। आंटी ने वो चीजें उस अधिकारी को दे दी। उन्हें सीढ़ियां उतर के आते हुए मैं देख रही थी। उस फ्लाइट के पीछे जो सीढ़ी थी उसे हटा दी। फ्लाइट के जाने का समय भी हो गया था, ये सब कुछ हो रहा था। फ्लाइट जाने का समय भी हो गया था। घड़ी को देखकर जब समय देखा तो मैं बहुत ज्यादा वहां पर डर गई थी। तो मैं सोच रही थी फ्लाइट का समय हो गया, मैं अब क्या करूंगी। तब उस अधिकारी ने दौड़कर आकर मुझसे पूछा कि क्या ये तुम्हारा सामान है। मैंने कहा हाँ और बहुत खुशी से उसे ले लिया। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। बोर्डिंग पास के दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा हाथ में देकर उस अधिकारी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम एक वीआईपी हो, ये फ्लाइट सिर्फ आपके लिए 5 मिनट देरी से जा रही है। जब उन्होंने ऐसा मजाक किया तो उनसे एक क्षमा मांगते हुए मैं तुरंत ही फ्लाइट की तरफ चली गई। फ्लाइट में पहुंचने के बाद साधारण तरीके से जब हम सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं, एयर होस्टेस हमें अंदर जाने देती है। हमें खुद जाकर अपनी सीट को ढूंढना होता है, खुद ही ढूंढना होता है। लेकिन उस दिन मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। एयर होस्टेस ने खुद आकर मेरी सीट को ढूंढकर मुझे दिखाया और मुझसे कहा कि आप यहाँ बैठिए, और मुझे वहाँ बिठाया। उस फ्लाइट में बैठकर मैंने यीशु का धन्यवाद किया क्योंकि बचपन में जिस यीशु के प्रेम को नहीं जाना उसे जानने का अवसर मिला। वो मुझे जानते हैं, वो मेरी परेशानियों को भी जानते हैं, मेरे भार को जानते हैं, मेरे दुखों को भी जानते हैं। जब मैं उन्हें देखकर रोई, उसी वक्त जिस वक्त मैं चिल्लाकर रोई, उसी वक्त ठीक मेरे सामने आकर, मेरे पास आकर, जैसे कि उनके वचन में कहा कि दूतों को भेजकर मैं तुम्हें बचाऊंगा, उन्होंने मेरे पास सही व्यक्ति को भेजा। मैंने एक अधिकारी से पूछा कि किसने मेरी मदद की, तो मुझे पता चला एयर इंडिया की जिस फ्लाइट में मैं यात्रा करने वाली थी उसके मैनेजर हैं वो।
जब उन्होंने कहा तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ उस व्यक्ति को ही फ्लाइट रोकने का अधिकार है। यीशु ने सही व्यक्ति को भेजा। मैं नहीं जानती थी कि किसके पास जाना है, लेकिन प्रभु ने सही समय पर उन्हें मेरे पास भेजा। जिनके पास पूरा अधिकार है उनको ही मेरे पास भेजा। सब कुछ इतना आसान कर दिया। मैं एक बात समझ गई कि मेरे प्रभु कितने महान और कितने धन्य हैं, वो कितने विश्वासपूर्ण हैं। तो ये मेरे विश्वास की जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव था। वो घटना मेरे विश्वास की जिंदगी का एक नया मोड़ था। ये उस दिन मुझे समझ में आया, क्योंकि उस दिन तक ऐसा कोई भी अनुभव मेरे साथ नहीं हुआ था। अपने दर्शकों से आज मैं ये कहना चाहती हूँ, एक अद्भुत गवाही को हम सुन रहे हैं। कहने का मतलब, देखिए, मनुष्य भी एक हद तक सहायता कर सकता है, और जब वो उम्मीद भी टूट जाती है, जब मदद करने के लिए कोई नहीं बचा, सब सूजी से दूर चले गए, पुकारने के लिए कोई और नाम नहीं बचा था, सूजी बहन ने घुटने टेक कर उसी वक्त वहाँ जीवित परमेश्वर से प्रार्थना की। तुम्हारी परेशानियों के वक्त यदि तुम मुझे पुकारोगे, मैं उसी वक्त उत्तर दूंगा, ये लिखा है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम कहीं भी हों, एयरपोर्ट ही क्यों ना हो, चाहे फिर लोगों के बीच में, बिना किसी डर और शर्म के जब घुटने टेक कर इन्होंने प्रभु को पुकारा तो वे वहाँ उतर आए। ये हमारी मानसिक बुद्धि के सोच विचार से कहीं परे की चीज़ है। फ्लाइट तैयार खड़ी थी, सीढ़ी को भी हटा दिया गया था, और इंटरनेशनल फ्लाइट है। जब इन्होंने पुकारा तो मैनेजर को ही इनके सामने लाकर खड़ा कर दिया प्रभु ने। ये सोच पाना हमारे दिमाग की, हमारी बुद्धि के बस की बात ही नहीं। वहाँ पर आकर परमेश्वर के दूत के जैसे वहाँ आकर सूजी से पूछताछ की, फ्लाइट के अंदर जाकर सब लोगों का सामान चेक करवाया, इनका पासपोर्ट और टिकट निकलवाया। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु यीशु के कार्य करने का अपना तौर तरीका, अपना ढंग होता है। आप ये सोच सकते हैं कि मेरा छुटकारा क्यों नहीं होता, मेरी इस परेशानी का हल क्या है। सूजी के पास भी उस समय सोचने के लिए कोई चारा नहीं था, मदद के लिए पुकारने के लिए कोई नहीं था। हो सकता है ऐसी अवस्था से आप भी गुजर रहे हों। मेरी इस समस्या का हल क्या है, कौन मेरी सहायता करेगा। आपकी सोचने की शक्ति से भी गहरी है आपकी परेशानी, लेकिन क्या आप एक बार इस तरह से पुकारेंगे अपनी इस परेशानी के बीच में प्रभु यीशु मसीह से, जो जीवित हैं उस प्रभु से, हे पिता, क्या तुम मेरी सहायता करने के लिए नहीं आओगे, क्या मेरी इस परेशानी का कोई हल नहीं दोगे। क्या आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं आपके लिए अद्भुत कार्यों को करने के लिए, आपके जीवन में नई राहों को खोलने के लिए। फिर चाहे आप किसी भी तरह की बीमारी के बंधन में हैं, तसल्ली और छुटकारे के हाथ के साथ आपके बिस्तर के सिरहाने खड़े हैं। अरब राज्यों में, बहुत से विदेशी राज्यों में भी अनेक पासपोर्ट की या वीज़ा की परेशानी में होंगे। वीज़ा ख़त्म हो गया, अरबी के हाथ में है वीज़ा, वो दे नहीं रहा वीज़ा। ऐसी बहुत सी परेशानियों से गुजर सकते हैं आप। आज जो हमें सुन रहे हैं, चाहे आप कोई भी हों, आपकी इस परेशानी के बीच में परेशानी कितनी बड़ी है वो सवाल नहीं है। यदि आपको पिता परमेश्वर को पुकारना है तो इन परेशानियों को एकदम छोटा समझिए। उनसे आपको छुटकारा दिलाकर जयवंत रीति से आपकी अगुवाई करने के लिए, परेशानियों में जवाब देने के लिए हमारे यीशु सामर्थी हैं। उनके नाम को पुकारें, निश्चय ही आपको भी प्रभु इस परिस्थिति से छुड़ाएंगे। पर्वत के समान जो परेशानी है, बर्फ के समान उसे पिघलाने के लिए, आपको छुटकारे की तरफ, जय की तरफ, आशीष की तरफ बढ़ाने के लिए, ऐसे द्वार जो आपके सामने पूरी तरह से बंद हैं, उन्हें खोलकर, नए रास्ते खोलकर आपकी अगुवाई करने के लिए हमारे यीशु महान है। ये बात कहते हुए, यीशु में आपको आमंत्रित करते हुए, मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज का कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए आशीष का कारण बना करके मैं विश्वास करती हूँ। अगर आपको कोई सवाल या प्रार्थना विनती है तो संपर्क कीजिए। हमारा पता है बेथेस्डा कम्युनिकेशंस, #18 1/1, नियर ज्योतिबाई फुले हॉस्पिटल, कन्नमवर नगर 2, विक्रोली ईस्ट, मुंबई 400083, मोबाइल नंबर 9819708374, ईमेल mariammathampymumbai@gmail.com। अगले सप्ताह इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष।